हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली बायोज्ञान। आशा करछु आपण माने लाइव सेक्शन में जॉइन हो सारिथिबे। सो आज क्लास रे आमे जानिनेबा मास स्पेक्ट्रोमेट्री रो इंट्रोडक्शन आउ यार केमिति कोन वर्क फंक्शन करछन ताको ओवरऑली लुक करनेबा, जहा द्वारा कि किछि पिलाने आमे आमर करना से माने एमसीक्यू ओरिएंटेड पढ़ना दि, केवल माने आंसर टॉपिक रो बेसिक कांसेप्ट पई पढ़ुछंती से जिनसटी को आम बहुत फास्टली कवर करने बा। ओके, मास स्पेक्ट्रोमेट्री रे आम कौन कर था ना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री तुम मास आउ चार्ज बेसिस से तुम सेपरेशन करके आम डिटेक्ट कर पारती क्यों मॉलिक्यूलटा आमर अच्छी इनसाइड योर कंपोनेंट है। सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज फॉर हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक योर मॉलिक्यूल एंड फ्रैगमेंटेशन। सो सी कौन कराए ना, तुम जो मॉलिक्यूलटा थी से ब्रेक करा जाए था ड्यू बाय यूज ऑफ योर हाई इलेक्ट्रॉन जेनेस जो ब्रेक होगी ताको फ्रैगमेंटेशन होता है। तार मेकानिक्स कौन, मेकानिक्स कौन ये जिनसटी को तुम जान ना, मेकानिक्स से कौन ना फास्ट हम तार सैंपलटा इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा दे कि देन से आसीबो मैग्नेटिक फील्ड को, तापर कौन ना सी डिटेक्टर द्वारा तार ग्राफ माध्यम रे थिया डिटेक्ट हो पारिबो हैला। से जिनस गुड़ा मेकानिजम टा आम देखा। सो ये कौन ना, तुम जो पार्टिकल्सटा रहा आम जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जान थोर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन होता है ना, तुम अकॉर्डिंग टू तुम जो लाइट ऑब्जर्वेशन भितर से कौन ना लैम्बडा रो मीन्स लैम्बडा मीन्स गोटे पीक वैल्यू देता है, जहाद्वारा कौ आटमटी प्रेजेन्स अच्छी कौ मलिकुलटा प्रेजेन्स अच्छी जापर एटा कौन ना भेरी वाइडली एक्सेप्टेड होता कौटी ना फास्ट आमर मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। किंतु बर्तमान जो आडभांस टेक्नोलोजी आसला सो केमिस्ट्री मैंने बेसिकाली यूज कले तुम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री कौन हो ना, तुम जो ऑब्जर्वेशन ऊपर तार किसी इफेक्ट न थाए, सी कौन सी ऑब्जर्वेशन एमिशन ऑफ लाइट ऊपर तार किसी मैंने इन्वॉल्वमेंट न थाए। बेसिकाली सी कौन करता है ना, हाई इलेक्ट्रॉन आसिक मॉलिक्यूलटा को ब्रेक करता है, जहाद्वारा सी फ्रैगमेंट गुड़ा हो गला सी कौन ना, तुम तार फ्रैगमेंटेशन आउ तार रिलेटिव अबंडेंस इनफॉर्मेशन टाक आम जाणी आम एनालाइजर डिटेक्टर थ्रू रे आम तार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरटा जापारे है। सेपरेशन एंड तार एनालिसिस फ्रैगमेंट केमी प्रोवाइड कर प्रोवाइड कर तार मॉलिक्यूलर वेट प्रोवाइड कर स्ट्रक्चरटा को प्रोवाइड कर बुझीगला। सो आम सेपरेशन द्वारा कौन कौन जापर मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा तार मास आ चार्ज बेसी सेपरेशन करोद्वारा कि तुम जो मॉलिक्यूलटा दे जो प्रोटीनटा दे तार मॉलिक्यूलर मासटा जापर आर स्ट्रक्चरटा केमी जापर। सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रिंसिपल है फास्ट कौन ना, तुम आयोनइजेसन कर सैंपलटी को है सैंपलटा आसा आयोनइजेसन कर मीनस कौन ताक इलेक्ट्रिकल फिल्ड भितर रहा पड़ता है। देन ताक कौन ना मास एनालाइजर आसता है, मास एनालाइजर कौन तुम मैग्नेटिक्स फिल्ड रोच देन ताक डिटेक्टर्स आसता है। तो स्केमाटिक डायग्रामेटेशन ऑफ योर मास स्पेक्ट्रोमेट्री कौन हो ना, फास्ट तुम ताक आयोनइजेसन यूज हो फास्ट ताको आयोनाइजेसन यूज होन ताको मास टू चार्ज रेसीयर आनालीस करा। बेसिकली तुम मास स्पेक्ट्रोमेट्रीटा ऑन द बेसिस ऑफ योर मास एंड चार्ज ये दुटा बेसिस तुम डिटेक्ट करुच्छे डिटेक्टरटा बुझीगला। सो हाउ द मास स्पेक्ट्रोमीटर वर्क, मास स्पेक्ट्रोमीटरटा केमी वर्क कर फास्ट जो से आयोनाइजेसन प्रोसेस को जाऊँच क्रिएट कर आयन आयनटा जो क्रिएट हो कौन कौन प्रोसेस जा माल्डीटा हूँ तुम बेसिक प्रोटीन जो आयोडाइजेशन टेक्निकटा माल्डी टेक्निकटा यूज होता है, यहाँ गोटे बहुत बड़ टेक्निक। देन आसला कौन ना इलेक्ट्रोस्पे, इलेक्ट्रोस्पे कौन होता है ना प्रोटीन मस्ट बी चार्ज एंड ड्राए, जो इलेक्ट्रॉन गुड़ा स्प्रे होता है मॉलिक्यूल्स प्रोटीनटा निश्चित चार्ज आटम होती ड्राए होती अच्छी है। सेपरेशन केमी कराए ना माल्डी टॉप रे ट्रिपल क्वाड्रोपोल रे ये जिनस गुड़ा सब देखा आम
जोटा ब्रीफली डिस्कवर डिस्क्राइब कर आउ गोटे स्लाइड्रे ये आम केवल बेसिक इंट्रोडक्शन जानते जो तुम्हें माल्टी टेक्निकटा यूज होमर मास स्पेक्ट्रोमेट्री भितर यही जिनसा जानी थोड़ा देन तुम क्वाड्रोपल टेक्निक यूज हो दुईटा पॉइंट तुम्हें एक्जाम लिखा पड़ो निश्चित भाव टॉप टेक्निक भी लिखिदेव जो भल हे देन डिटेक्ट जो कर बाय कौन ना मास स्पेक्ट्रम जो बहुत सारा मास स्पेक्ट्रम आ इलेक्ट्रोन जो स्पेक्ट्रमटा आसिक बम्बार्ड होता है देन से जिन सब जानपारती देन आ गोटे हूँ तुम डाटा आनालीसीस द्वारा ओके देन कौन आसला ना ए मास स्पेक्ट्रोमीटर इज ए मेसीन दैट वेट मलिकुल्स बाय मेजरींग द मास टू चार्ज रेसीओ अफ ए आयन गोटे मालिकुल भितर जो आयन अच्छी फास्ट ताको आयनाइजेसन कलापर देन ताको कौन करता है ना सी तार मास और चार्ज रेसीओ टी सी जानी थाए जहाद्वारा कि डिटेक्ट करता है मलिकुलटार मसटा को आईटा को है तो तार सोर्स कौन ना तुम इलेक्ट्रोन आयनाइजेसन केमिकल आयनाइजेसन आउ माल्टी टेक्निक सब टेक्निक गुड़ा यूज होता है डिस्पर्सन केमी होता है ना टॉप द्वारा एफ टी आई आर द्वारा सेक्टर द्वारा क्वाड्रोफोल द्वारा और ट्रैप 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 टेक्निक गुड़ा डिटेक्ट केमी कर फाराडे कप चैनल द्वारा डिटेक्ट चैलेनोट्रॉन्स द्वारा फायराडे कप द्वारा आउ एमसीएफ द्वारा डिटेक्ट करा जाए हैला देन आमे जो मास स्पेक्ट्रोमीटरे कैरेक्टराइज करा जाए कंपाउंड गुड़ा को ऑन द बेसिस ऑफ हियर इज योर माल्डिस फुल फॉर्म दैट इज मिक्स्ड असिस्टेड लेजर डिस्पर्सन और आयोनाइजेसन ओ सीटा कौन ना वन टाइप अफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री जोटा कि तुम माल्डी मैट्रिक्स असिस्टेड असिस्टेड लेजर डिस्पर्जन और आयोनाइजेसन ये टेक्निक कौन हो आम देखा देन इलेक्ट्रॉन स्प्रे मास स्पेक्ट्रोमेट्री देन इंड्यूस्ड कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री आटोमिक आयोनाइजेसन मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप अफ योर मास स्पेक्ट्रोमेट्री होर क्यारेक्टराइजेसन कलापर देन कौन बेस्ड ऑन चार्ज एंड आयन सेपरेसन क्वाड्रोपल मास स्पेक्ट्रोमेट्री आयन ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमेट्री मैग्नेटिक सेक्टर मास स्पेक्ट्रोमेट्री टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये माल्टी यहाँ माल्टी सहित सेम अटे है देन कौन ना फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आयन साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस मास स्पेक्ट्रोमेट्री आयन मोबिलिटी मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये टाइप डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन होती देन मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैरेक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन से कौन कर एनवायरमेंटल मास स्पेक्ट्रोमेट्री बायोलॉजिकल मास स्पेक्ट्रोमेट्री सेल मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड पोर्टेबल मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन जो आम आयन कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड देन सैंपल हिसाब से कौन ना GCMS LCMS एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री आम माल्टीटा को देखी ना माल्टी हूँ कौन तुम मैट्रिक्स एसोसिएटेड लिक्विड डिस्पर्सन आयोनाइजेसन है माल्टीटा टाइम अफ फ्लाइट रोटे टर्मस अटे अन् द बेसीस अफ तुम चार्ज अफ आयन भितर तुम यहाँ कर तार कंपोनेंट हिसाब से यप माइलेसन कर सो से कौन कर मेजर द टाइम रिक्वयर फर द आयन टू फ्लाय डाउन एंड लेंथ अफ ए चैंबर माल्टी बेसिकाली तुम कौन ना देख आम जितेबाला गोटे सैंपल उपर इलेक्ट्रॉन बीम्सटा आसिक आटाच है देन सी कौन ना सैंपलटा फ्रैगमेंटेशन होगा है तर आयोनाइजेसन द्वारा फ्रैगमेंटेशन होगा सो से कौन ना कंपोनेंट गुड़ाक स्मॉल मॉलिक्यूल आउ स्मॉल मॉलिक्यूल आउ लार्ज मॉलिक्यूल भीतर डिवाइड हो जाए किंतु से जितेबाला वैक्यूम्स भीतर जीव से वैक्यूम्स भीतर कौन हम ना सी स्मॉल मॉलिक्यूल गुड़ाक ले बहुत स्पीड जीव आ लार्ज मॉलिक्यूल गुड़ाक बहुत स्लो जीव से जिनसटी माल्टी होता है सो माल्टी कौन होता है ना ऑप्टेन कंबाइंड विथ योर माल्टी टफ डिटेक्टर फ्रॉम ए मल्टीपल लेजर ब्रस्ट आर एवरेज एंड द मल्टीपल लेजर माल्टी तुम कौन ना लेजर टेक्नोलॉजी भी यूज होता है जहाँद्वारा कि तुम कौन ना डिटेक्ट कर जोटा फास्टली जाऊँ आमर कौन ना सीटा स्लो मॉलिक्यूलर वेट थी जोटा लेट्रे टी जाऊना आउ टे हाई मॉलिक्यूलर वेट थी तो से गुड़ाक आम लेजर डिस्पर्सन लेजर टेक्निक द्वारा
ताकु डिक्टेट कराई था। ओके देन आसला कौन ना टैंडम एमएस 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 जिनसटा से कौन ना से कमी कंपेरिजन कर तुम्हारा टैंडम एमएस कौन कर जो आमर आइडेंटिफिकेशन होता है कंपाउंड मिक्सचर रे कौन ना सेपरेशन आउ आइडेंटिफिकेशन टी कर पारिथाय कंपाउंड भितर केमिति कर पारिथाय ना ड्यू टू तार मास एनालाइज करबो बाय द फ्रैगमेंट आयन गुडाकर फ्रैगमेंट आयन गुडाकर जो मास टी को एनालाइज करबो से तार कौन ना टैंडम एमएस प्रोसेस द्वारा से देखि पारछि सेठी आमर दी टाइप रो मास एनालाइजर नैथिबो जोटा सेपरेटेड होइथिबो गोटे कोलिजन सेल फील होइकि विथ आर्गन और जेनन मिसिकी आमर डिफरेंट टाइप रो एमएस कॉन्फ़िगरेशन गुड़ा अच्छी मीन्स कौन ना क्वाड्रोपोल क्वाड्रोपोल कौन तुम लो एनर्जी फ्लो होता है देन मैग्नेटिक सेक्टर क्वाड्रोपोल जो कौन ना हाई अमाउंट तुम होता है एनर्जी फ्लो देन कौन ना क्वाड्रोपोल टाइम अफ फ्लाइट से भी लो अमाउंट देन टाइम अफ लाइट अफ फ्लाइट से भी तुम लो अमाउंट होता है तो टिपिकाली मास स्पेक्ट्रम कौन होता है आमर टिपिकल मास स्पेक्ट्रम सी क्यारेक्टराइज होता है केमिति ना तुम जो पीक्स गुड़ा आए सी कौन होता है ना भेरी शार्प आए आउ बहुत न्यारो भी होता है पीक्स गुड़ा जो एक्स एक्सीसटा तुम डिनोट कर तुम मास बाय आयन रेसीो टी को डिनोट करें हैला जोटी कौन फॉर ए सिंगल चार्ज आयन करेस्पोंडेंस मास आयन डी रही है गोटे चार्ज आयन से गोटे पिक्स परफॉर्मेंस करें हाईएस्ट पिक्टा इंडिकेट कौन कर तुम रिलेटिव अबंडेंस जहाँ अच्छी है हाईएस्ट पिक्टा तुम रिलेटिव अबंडेंस टी डिनोट कर जोटा कि तुम क्वांटिटेशन डिपेंड कर नए किंतु तार पीक इंटेंसिटी कौन डिटेंड कर केबल कर फ्लाए हवा को आते डिस्टर्ब हो बुझेगा तो तुम सब प्रोटीन गुड़ाक सॉर्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मास टू चार्ज रेशियो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय योर चार्ज ऑन दिस प्रोटीन तुम मॉलिक्यूलर वेटा केमी डिटेक्ट कर मास जो चार्ज ऑन द प्रोटीन जोटा होता है डिवाइडेड कर टिपिकल मास स्पेक्ट्रम गुड़ाक ये टाइप रुम पिक्स गुड़ा देखा मिलता है यहाँ कह रही ना आस्पिरिन पिक्स देखे आस्पिरिन पिक्सटा मास बाय आयन रेशियो के 120 अच्छे है स्लाइटली चार्ज्ड आयन टू दिस मास जोटा हूँ तुम आस्पिरिन जानते आर जो पिक्टा जो एत शार्प होारा आम तार रिलेटिव अबंडेंस जान पारे है तुमर जितक जो पीक आसूची से पीक रो विड्थ मीन्स आम गोटे सैंपलटे पकेले सैंपल जो पीक्स गुड़ा आसूची तार विड्थटा डिपेंड करुच्छी तुम रिजोल्यूशन ऑफ योर मास स्पेक्ट्रोमेट्री इंस्ट्रूमेंटेशन से कौन ना तुम जो बेटर रिजोल्यूशन थी सी कौन ना जानव सी बेटर इंस्ट्रूमेंटेशन जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री मास्र एक्यूरेसीटा तुम बेटर अच्छी सो तुम रिजल्विंग पावरटा क्या द्वारा डिफाइन कर डेल एम द्वारा डिफाइन कर जोटा कि तुम ऑब्जर्व्ड मास जी मास अच्छी से ऑब्जर्व करने द्वारा जापारती तार डिफरेंस काढ़ा जाए ना दुईटा मास नहीं कि तार डिफरेंस डिफरेंस काढ़ी ताको सेपरेशन करा जाए ये देखिपर आम ए पिक्चर तुम्हें देखिपार ना आम रिजल्यूशन केमी देखिपर मास स्पेक्ट्रोमीटर ना जो पिक्टा आसला पिक रिथ अच्छी से विड्थटा आमर डिपेंड कर तुम मास उपरे सो जिते बार विड्थटार 50% मीन्स तुम डेल एम मास वैल्यूटा हो तुम 50% ऑफ योर हाइट आउ नेक्स्ट डेल एम आट योर 5% हाइट ये दुईटा कैलकुलेट करा पड़ता है देन आमर कौन आसो ना दुईटा पिक मानक ओवरलैप होती सो ओवरलैप डिस्टेंसटा भी मैप करा पड़ो दैट इज ये केस तुम 10% वैल्यू अच्छी मीनस 20% ये ओवरलैप वैल्यू फॉर्मेशन एंड देन ये तुम आउ गोटे पिक 50% वैल्यू फॉर्मेशन कराद्वारा कि आम सेपरेशन कर डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंस देखिए आम जापर आमर बेसिकली टिपिकल मास स्पेक्ट्रोमीटर
ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ସାମ୍ପଲ୍ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ତୁମର ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କେମିକାଲ୍ ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଟାଇପ୍ ଜିନିଷରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ତୁମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଆୟନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବ, ଦେନ୍ ତା'ର ପିକ୍ସ ଯେଉଁ ଆସିବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାସ୍ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ହେଲା, ସେଇଠୁ କ'ଣ ନା ସେପାରେଟେଡ଼୍ ମାସ୍ କରାଯାଇଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟର କରାଯିବ କେତେଟା ଆୟନ୍ସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଟୋଟାଲି, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ରହିବ, ଦେନ୍ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଡାଟା ସିଷ୍ଟମରେ ପକାଇକି ଡାଟାଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନାୟର୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି। ନାୟର୍ ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ତୁମର ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସେଇଠି ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପଲ୍ଟିକୁ ନିଆଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ଲିଟ୍ ଥିବ, ସ୍ଲିଟ୍ ଥ୍ରୋରେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇକି ତା ପାଖରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଥିବ, ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଜେନେରେଟର୍ ନେବ। ଦେନ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆୟନାଇସନ୍ ଯେତିକି ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମର ଫ୍ୟାରେଡ଼େ ବକେଟ୍ରେ କଲେକ୍ଟ ହେବ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡାଟାଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ତା'ର ମାସ୍ ଆଉ ଚାର୍ଜ ହିସାବରେ। ସୋ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଲା, ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ହେଲା, ସାମ୍ପଲ୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ ହିଟେଡ଼୍ କରିକି ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ବ୍ରିଫ୍ଲି ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି ସେଇଠି ଦେଖାଯାଇଥିବ କେମିତି କ'ଣ ହିଟେଡ଼୍ କରାଯାଏ, କେମିତି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆୟନ୍ ସୋର୍ସ। ଆୟନ୍ ସୋର୍ସ ଆଇଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅର୍ ଫିଲ୍ଡ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଅର୍ କେମିକାଲ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଅର୍ କେମିକାଲ ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆୟନାଇଜେସନ୍ କେମିତି କରାଯାଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଦେଖ, ଏଇଠି ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ତା'ପରେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଏଇଠି ଲେନ୍ସ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଇନଲେଟ୍ରେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପକା ହେଲା ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ସୋର୍ସରେ ଆସିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସୋର୍ସରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ସେଇଠି ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଡେବ୍ର ଆସିକି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ସେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ତୁମର ଲେନ୍ସ ଉପରେ ଆସିକି ବାଇଣ୍ଡ ଆଟାଚ୍ ହେବ ଆଉ ତୁମର କଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏପଟେ ସାମ୍ପଲ୍ଟି। ଏଇଠି ତୁମର କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲାଗିଥିବ, ସେ କ'ଣ ନା ଦେନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସୋର୍ସ ରହିଥିବ କଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ନା ସେଇଠୁ ଆମେ ଡାଟାଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା, କେମିକାଲ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କେମିକାଲ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତୁମର ସେମ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, ସାମ୍ପଲ୍ ଇନଲେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଲା, ସାମ୍ପଲ୍ ଇନଲେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ନା କଲେକ୍ଟର ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ତୁମର ବହୁତ ସାରା ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇପ୍ର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ହେଇକି ବାହାରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ନା ତୁମର ବହୁତ ସାରା ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ହେଇକି ବାହାରିବ। ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ତୁମର ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସ୍ମଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମାସ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ସ, ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ସୋ ମାସ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ମାସ୍ ବାଇ ଚାର୍ଜ ରେସିଓରେ ଯେଉଁ ଆମର ପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସିଥିବ ସେଥିରୁ ତୁମର ମାସ୍ଟିକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଦି ଯାର ଦ ଡିଭାଇସ୍ ଦାଟ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ଦ ଆୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଆୟନ୍ ସୋର୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ୟର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମାସ୍ ବାଇ ଚାର୍ଜ ରେସିଓ ଦାଟ୍ ଫୋକସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଟେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମାସ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା ବଟ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦ ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ତ ଆମର କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫୋକସିଂ ଅର୍ ଡବଲ୍ ଫୋକସିଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ତୁମର କ୍ୱାଡ୍ରାଫୋଲ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ କେମିତି କ'ଣ ଆକ୍ଟ କରୁଛି ତା ବି କହିବି, ଯେମିତି ତା'ର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୁଏତ ତା'ପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ରଖୁନି। ଦେନ୍ ତୁମର ଆୟନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ମେକାନିଜମ୍ରେ କେମିତି ସେ ଆୟନ୍ଟି ଟ୍ରାପ୍ ହେଉଛି ବି ସେଇଟା ବି ଦେଖିହେବା। ଦେନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ TOF ଆନାଲାଇଜ୍ ବି ହେଉଛି। ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେନ୍ ତୁମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫୋକସିଂରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିଦେବା। ଜେନେରାଲି ତୁମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସେକ୍ଟର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫୋକସିଂ ପାଇଁ ତୁମର ବଲ୍କି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତୁମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସେକ୍ଟରଟା ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କଭର ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ହେଲା, ଏଇଟା ଜେନେରାଲି କ'ଣ ନା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେକ୍ଟର ହୋଇଥାଏ, ବଲ୍କି ସେକ୍ଟର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ସେକ୍ଟର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ସେଠି କ'ଣ ନା
आनालाइज करा बहुत इजी होता है जोटा कि तुम 90 डिग्री आंगेल तुमको सेट करमी ना हाई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल स्पेशली इन द कंपैरिजन टू अदर मेथड यूजुअली 4 to 10 किलो वोल्टर तुम चार्ज दरकार पड़ता है जो तुम कौन ना मैग्नेटिक वेज जो रोचे से सेप मस्ट बी प्रोवाइडेड टू होमोजेनियस फील्ड से मैग्नेटिक वेज रो सेपटा तक होमोजेनियस फील्ड पर प्रोजेक्ट कर देन तुम आयन बीम जो एंटर कर सी एक्जिस्ट कर एक्जाक्टली तुम 90 डिग्री आंगेल देन द फोकस आयन अकॉर्डिंग टू देयर मोमेंटम से फोकस होता है सिंगल फोकस है देखिए तुम आयन सोर्स रहा आयनाइजेसन कला सी जो एट फ्लाइट ट्यूब रहा ट्यूब अफ फ्लाइट भर जो गला गोटे परमानेंट आंगे मैग्नेट गोटे लगे ये बीमटा जीव से बीमटा तुम 90 डिग्री आंगेल्स ये टाइप 90 डिग्री आंगेल्स देन ताको फेरेडेट कलेक्टर में कलेक्ट कर डाटा टी है मैग्नेटिक सेक्टर डबल फोकसिंग कौन होता है तुम्हारा डबल फोकसिंग से कौन करता है बेस ऑन योर एनर्जी आ मोमेंटम को फोकस करता है सिंगल फोकस एनर्जी न करी एनर्जी आ मोमेंटम टी को फोकस करता है से कौन ना दैट आर्ट द इलेक्ट्रिक सेक्टर टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड फोकसिंग ऑफ द आयन इंडिपेंडेंट ऑफ योर मास से कौन करता है ना तुम एनर्जी ऊपर आयन ऊपर फोकस करता है आउ मास ऊपर इंडिपेंडेंट होता है देन कौन ना तार दुईटा उपर जिनस फोकस रखी था एनर्जी आ मोमेंटम फोकस होता है देन कौन ना सी गोटे बल्कि आइटमटे आना बहुत हाई परफॉर्मेंस भी दे था तार हाई मास रिजोल्यूशन सीटा यूज कर अरेंजमेंट द्वारा केमी अरेंजमेंट हो देख ना यहाँ गला आम सोर्स स्टेट जो आम आटम आटम गुड़ाक आसा आयनाइजेशन प्रोसेस द्वारा सी कौन आसा तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर द्वारा देखिए सी कौन देन बीटा स्लेट आसला ये कौन है तुम जो मोमेंटम टी कलेक्ट हो गला देन सी कौन ना मैग्नेटिक सेक्टर जो आसला सी से भी 90 डिग्री आंगेल नहीं ना ये कौन ना तुम मैग्नेटिक सेक्टर आसला आउ गोटे स्लेट थी दैट इज कलेक्टर स्लेट से कलेक्ट हो किंतु ये जो तुम कौन ना मैग्नेटिक स्लेटा तुम 60 डिग्री आंगेल करुच्छे हेला ये आंगेल ये जो आंगेलटा कर 60 डिग्री आंगेल करुझेला देन तुम क्वाड्रोपोल मास एनालाइजर क्वाड्रोपोल मीन्स कौन ना चार्टा पोल डेक लगे सीटा कौन ना जहाद्वारा कि तुम इलेक्ट्रिक फिल्डा फॉर्मेशन करा क्वाड्रोपोल वर्किंग कौन हो तुम क्वाड्रोपोल आयनाइजेशन टेक्निक कौन होता है तुम चारिटा पोल्स लगे चार्टा पोल्स लगी जोटा सी कौन ना देख जो तुम सेम आडजस्ट सेम टाइप रो पोल्स लगी कौन ना अपोजिट पोलारीटी रखुच्छे अपोजिट पोलारीटी मीन कौन ना गोटे पॉजिट बेला गोटे नेगेटिव रखुच्छे देन तुम कौन ना अपोजिट रड्स गुड़ा तुम रखुच्छे सेम पोलारीटी अपोजिट रड्स गुड़ा सेम पोलारीटी के लिखुच्छे ना पॉजिट पॉजिट रखुच्छे नेगेटिव नेगेटिव रखुच्छे बुझीगला देन से भितर कौन ना आक प्रति जो पोल्स तुम डीसी करंट रही एंड तुम सी रिफ्लेक्टिव फैक्टर सी जो वोल्टेजा दे थो जहाद्वारा कि तुम कौन ना ओनली सिलेक्टेड मास आउ चार्ज रेसीओ आम ऑसिलेटरी पाथ वे तार जो फील्डटा को आम कलेक्ट कर पारा ओके देन आसला तुम कौन ना आयन ट्रैप ट्रैप टेक्निक आयन ट्रैप टेक्निक कौन होता है तुम आयन आयन ट्रैप टेक्निक कौन होता है ना दी टाइप तुम बल्स लगे ये गोटे रिंग्स होती रिंग्स भितर तुम आयन्स गुड़ा फ्लो करेंगे आउ कौन ना तुम से दुटा बल्स लगे ये जो दुटा बल्स लगी कौन हो गोटे रिंग फॉर्मेशन होती आउ दुटा कैप्स लगी बोथ हैंड्रे जोटे कौन ना तुम प्रिंसिपलटा तुम क्वाड्रोपोल लाइक सिस्टम होता है क्वाड्रोपोल आम कौन देखीले ना तार रेडियो फ्रिक्वेन्सी आरएफ मीन्स रेडियो फ्रिक्वेन्सी आ तुम डीसी मीन्स कौन ना डायरेक्ट करंट है दुटा उपर प्रोसेस आरएफ रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाय डीसी फॉर्मूला द्वारा तुम मास बाय चार्ज रेसीओ टी आम कलेक्ट करता तार आडभांटेजेस कौन ना एमएसएमएस सिस्टम लग पारिथाए एवं हाई सेनसीटिविटी एंड फुल स्कैन ऑफ योर एमएसएमएस सिस्टम देन आम आसला टाइम अफ फ्लाइट एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री जोटा कि तुम माइल्डी टेक्निक यूज होता है टाइम ऑफ फ्लाइट सिस्टम कौन होता है
ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି, ଯେଉଁଟା ଆମର କେଉଁଠି ନା ମେଲଡି ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ମେଲଡି ମିନ୍ସ କ'ଣ ତୁମର ଜାଣିଥିବ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡ ଡିସପରଜନ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ। ସୋ ତୁମର ମାଲଡିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ତୁମର ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଇଠି ତୁମର କ'ଣ ନା ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଲଡି ଟ୍ରିକ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଟେକ୍ନିକ୍ସରେ ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ଜିନିଷଟା ହୋଇଥାଏ। ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ତୁମର ରୋଜି ମ୍ୟାମ୍ ପଢ଼େଇଥିବେ। ସୋ ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ତୁମର ଫ୍ଲୋ କରିଥାନ୍ତି। ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲୋ କଲାବେଳେ ସେଠି କ'ଣ ନା କେବଳ ତୁମର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲା, ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲା ପରେ ତୁମର ଯେଉଁଟା ସ୍ମଲର ମଲିକୁଲ୍ସ ହେଇଥିବ ସିଏ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିଦେବ, ଲିଚର ମଲିକୁଲ୍ଟା ସ୍ଲୋ ମୁଭ୍ କରିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା କଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ନା ତୁମର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏରେ କଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ସର୍ଟିଙ୍ଗ ବାଇ ଦ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଅପରେଟ୍ସ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ସପ୍ଲାଇ ଦ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟ୍ୱିନ୍ ୟର୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ମାସ୍, ମାସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସେ ଭେଲୋସିଟି ଯେଉଁଟା ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର। ଓକେ, ତୁମର ମାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟରଟା ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଆମର କେଉଁ ମାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ରେସିଓଟି ଆସିଲା ଚାର୍ଜ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ନା ତା'ର ଆୟନ୍ ଯେତିକ ହିଟ୍ କରିବ ତୁମର ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଡିଟେକ୍ଟର ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେତିକି ଆମର ଆୟନ୍ ଅଛି ଆଉ ତା'ର ମାସ୍ ଆଉ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ରେସିଓ ଜାଣିପାରିବା। ମାସ୍ଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ ରେ, ମାସ୍ଟା ତୁମର ପିକ୍ର ୱିଡ୍ ଥାଉ, ସେପାରେଟ୍ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ସ ହେଇଥିବ ତା'ର ଦୁଇଟା ଯାକର ଡିଫରେନ୍ସରୁ ଜାଣିପାରିବା। ତୁମର ଚାର୍ଜଟା କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ, ଚାର୍ଜଟା ତୁମର ଡିଟେକ୍ଟର ଉପରେ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର୍ଟା ତୁମର ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଟାଇପ୍ର ଡିଟେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଟେକ୍ଟ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ମାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା ଫାରାଡେ କପ୍, ଫାରାଡେ କପ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଫାରାଡେ କପ୍ଟା ବହୁତ ଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ପଇସା ଦରକାର ବେଶୀ ପଡ଼ିନଥାଏ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ସ ଆୟନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟୁ ଦ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ୟୁ କପ୍, ଯେତିକ ଆୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି କପ୍ରେ ଆଟାଚ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିପାରିଥାଏ ଆଣ୍ଡ କାଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିଥାଏ ଅଦର ମାସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କାଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତୁମର ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଟେକ୍ଟର। ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଟେକ୍ଟର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କରିଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଫଟୋ ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଓଭର୍ କରିକି ତା ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ସରେ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ତୁମର କ'ଣ ନା ଫଟୋ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଏ ଦ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଏଡ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଡେନ୍ସିଟୋମିଟର ହେଲା। ଡେନ୍ସିଟୋମିଟରରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେତେଟା ଆୟନାଇଜେସନ୍ର ମେଥଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା ଆୟନାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସ୍ମଲ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସହରେ ତୁମର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଜେନେରାଲି 1 to 1000 ଡାଲ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆଟମ୍ ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ। ଆଟମ୍ ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଇଟା ହେମି ହାର୍ଡ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ ଆମର ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ସୁଗାର ସାର୍ଟ 600 ଡାଲ୍ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନେଇଥାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଆୟନାଇଜେସନ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବହୁତ ଯେତିକ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ତାକୁ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ 2 lakh ଡାଲ୍ଟନ୍ ଯାଇଥିବ ଯଦି ତାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ମାଲଡି ଟେକ୍ନିକ୍ଟା କେତେବେଳେ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ତୁମର କ'ଣ ନା ଲେଜର୍ ଡିସର୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଦେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆୟନାଇଜେସନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆୟନାଇଜେସନ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତୁମର ସାମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବାଇ ହିଟିଂ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଭାପୋରେଟ୍, ଯେତେ ଯାହା ସେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାକୁ ସାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଠି ପାଇଁ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ବମ୍ବାଡେଡ୍ ହୋଇଥାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେହିନମ୍ ଆଉ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଫିଲ୍ଡର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ରେହିନମ୍ ଅର୍ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ତ ମଲିକୁଲ୍ ଇଜ୍ ସ୍କାଟର୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ, ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଏତିକି ଏ ବଣ୍ଟରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୋର୍ ମାସ୍ ଆନାଲାଇଜର୍। ଏଇ ଯେଉଁ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆୟନାଇଜେସନ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ତୁମର ମଲିକୁଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାକୁ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତା ରିଲେଟିଭ୍ ଆୱାର୍ନେସ୍ଟି ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ମାସ୍ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ହେଲା। ସୋ ଆୟନାଇଜେସନ୍ର ସୋର୍ସ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ ସୋର୍ସ ଉପରେ, ଏଇଠି ତୁମର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ହେଲା। ଟମ୍ସନ୍ ଅର୍ ରେହିନମ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ନା ତୁମର ଦେଖ ସାମ୍ପଲ୍ଟା ଆସିକି ଆଡ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପଲ୍ ସେ ଆଡ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ସାମ୍ପଲ୍ଟି ଆଡ୍ ହେଲା, ସାମ୍ପଲ୍ଟିରୁ କ'ଣ ନା ତୁମର ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ତୁମର ବାହାରିବ, ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେଇଟା କ'ଣ ନା କଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଲା। କଲେକ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସେ କ'ଣ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଭିତରେ ରହିରହି ସେ ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଇଦେବ। ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଥ୍ରୋଟା ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ, ହେଲା। ଏଇଠି ସେଇଟା ଦେଖେଇଛି, ଓକେ। ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମର ମିଥେନ ଏଇଟାରେ ତୁମର ଓ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲା, ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ସୋ ୱାଇ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଆନାଲାଇଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ବିକଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ତୁମର ସ୍କାଟର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ କେମିକାଲ୍ ବଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଣ୍ଡ ଏନି ଗିଭେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦାଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ 20 ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ୟର୍ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସ୍କାଟର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍କାଟର୍ ଦ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଟୁ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ସବ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ, ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ତା'ର ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ର ବି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଇଦେଇଥାଏ, ହେଲା। ଇଭେନ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଫର୍ମେସନ୍ କରାଇଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇନଥାଏ। ସଫ୍ଟ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ନା, ସଫ୍ଟ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଲେଜର୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେଇକି ତୁମର ହୋଇଥାଏ, ମାଲ୍ଡି ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଆନୋ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ସିନାମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉପରେ ଦେଖ କେମିତି ଲେଜର୍ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆୟନାଇଜେସନ୍ରେ, ସେଠି କ'ଣ ନା ଗୋଲ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ନିଡ଼ିଲ୍ସ ହେଲା, ତାକୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସଲ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବି ଆୟନାଇଜେସନ୍ କଲା, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଓକେ। ସୋ ସଫ୍ଟ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କିପ୍ ଦ ମଲିକୁଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟର୍ ଫୁଲ୍ଲି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ପ୍ରେ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ କନ୍ଭିନ୍ସ ବାଇ 1960 ବାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ପ୍ରେ ଆୟନାଇଜେସନ୍ଟି ଇଏ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷଟା ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବନି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବନି। ମାଲ୍ଡି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରେ, ମାଲ୍ଡିଟା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ ଆସେ, ମାଲ୍ଡିଟା କାହିଁକି ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ମା, କାହାର ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟର, ଏ ଜିନିଷଟି ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏତ ପଢ଼ିପାରେ, ହେଲା। ଦେନ୍ ମେଡ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବାଇ ଆନାଲାଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜ ମଲିକୁଲ୍ ବାଇ ଆ ଇନ୍ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମାସ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ କ୍ୱାଡ୍ରୋପୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୟନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍। ତ କ୍ୱାଡ୍ରୋପୋଲ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଆରେ କ୍ୱାଡ୍ରୋପୋଲ୍ରେ ତୁମର ଚାରିଟା ପୋଲ୍ସ ଲାଗିଥିଲା, ସେମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଲ୍ସ ଥିଲା ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ପୋଲାରିଟି ରଖୁଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେମ୍ ପୋଲାରିଟି ରଖୁଥିଲା। ଆୟନ୍ ଟ୍ରାପ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆୟନ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଦୁଇଟା କ୍ୟାପ୍ସ ଗୁଡ଼ା କଭର୍ କରିକି ରହିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ମାସ ଚାର୍ଜ ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଟପ୍ରେ କ'ଣ ନା ଟପ୍ଟା ତୁମର ମାଲ୍ଟିରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ତୁମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ନଥାଏ, ଓକେ। ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ତୁମର କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ଏଇଠି କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ, ହେଲା, ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି ଉପରେ, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ଆୟନାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ଟା କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ପ୍ରେ ଆୟନାଇଜେସନ୍ରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ନା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଇଭାପୋରେଟ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡ୍ରପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଲା, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡ୍ରପ୍ଲେଟ୍କୁ ଇଭାପୋରେଟ୍ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଆୟନ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଗଲା ଡିଟେକ୍ଟର୍ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିହେଲା। ତ ମାଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ମାଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆକାରରେ ନେଇଥାଏ ସ୍ମଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ର ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ନା ତୁମର ୱେବ୍ଲେନ୍ଥ ଆସିଥାଏ ତା'ର ଆବଜର୍ଭାନ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ହିଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ପ୍ରେ ଆୟନାଇଜେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଉଛି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସ୍ମଲ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଦେବ। ଏରୋସଲ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ନା ତୁମର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ସର ଇଭାପୋରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆଟମିକ୍ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ୟାରି କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ପ୍ରେ ଜିନିଷଟା ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ୟୁର୍ଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ପ୍ରେର। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ତୁମର ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଆୟନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଦେଖ ପଜିଟିଭ୍ ଆୟନ୍ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ତୁମର କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମର ଓ ଏଚ୍ ଆଉ
हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप थी से कौन हम ना तुम डीएनए पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेन्स गुड़ा जापर है जोटा कि डिटेक्टर उपर कटेक्ट कलेक्टर जापर सो मैट्रिक्स जाणी देखो तुम्हारे जो मेल्डी मैट्रिक्स आसोसीएटेड असिस्टेड लेजर डिस्पर्सन जो टेक्निकटा होता ओके से कौन सिंपल आयन जो बम्बार्टमेंट हम बाय द लेजर वे सो लेजर वे द्वारा बम्बार्टमेंट हाँ पर जो जो एनर्जी गुड़ा आसी था आयन गुड़ा डिस्पोजल होता है कलेक्ट होता है आम ये टाइप्र मैट्रिक्स प्लेट मेल्टर प्लेट थाए जो कौन ना तुम मैट्रिक्स प्लेट उपर यहाँ तुम कौन कहल पिपेटर टीप्सा पिपेट टीप्स तुम कौन ये सी गोटे गोटे आसिक जमी आलाइज प्लेट्रे तुम प्लेट उपर तो मैपिंग कराई थे सही मेल्डी सेमती आड कर सो यहाँ सेमती तो लेजर्स आसला पर तुम कंपोनेंटर केमी कौन आयन गुड़ा आसूसी से जिनसटी को सी देखे पपिंग्स होता है एक्सप्लोसन होता है ये जिनस गुड़ाक मेल्डी मेल्डी हुए तो तुम मानने मास्पेक्ट्रोमीटर गोटे पार्ट अटे कि बेसी कनसेप्ट कनसेप्टली आस कि एक्जाम से प्रोब्लेम हुए मेटिक कहार है अकॉर्डिंग टू तुम जो मस आ तर ये चार्ज हिसाब से कौन ना जार अधिक चार्ज थी स्पीडली जी जार कम चार्ज थी सी स्लोली जा स्पेसीफिक स्पेसीफिक ये पिक्स भी फर्मेसन कर जो हाई वैल्यूर मास थे सी कौन ना लेटली जाए स्मॉल वैल्यू होते हैं स्पीडली जी है मेल्डी इक्वल टू एसीएलआईडी एसीएलडीआई एसीएलडीआईटा कौन ना कौन सेल्डी स्पेक्ट्रा यहाँ हूँ तुम मेल्डी स्पेक्ट्रम गुड़ाक है देन तुम बैकग्राउंड देख ना तुम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन जो होची रेडिकल द्वारा ये टाइप तुम इलेक्ट्रॉन डर फॉर्मेशन होची है इलेक्ट्रॉन पर ये कौन ना तुम एच प्लस आयन भी फॉर्मेशन होची है तुम मॉलिक्यूलर जो आयनाइजेशन कंपोनेंट थी ताद्वारा कौन कॉरेस्पोंडिंग मास जो आसूची ड्यू टू बैकग्राउंड जिनस गुड़ा द्वारा है ये जिनस गुड़ा कौन ना तुम हुए तो एग्जाम एग्जाम देखा पड़े ना जेहतु आम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कितु ये जिनस गुड़ा जाणी नेबाटा उचित जहाँकि कौन ना तुम जेको जगह तुमको पचारे मेल तुम्हें मास्पेक्ट्रोमेट्री विषय कौन जान कि तुम प्रोटीन ट्यूब किम ट्रीटेड कर बेसिस ऑफ मास और चार्ज बेसिस सो ये जिनस तुमको कहपर ओके ये तुम जनरल फॉर्मूला केमी कौन डिटेक्टर हो आयनाइजेशन सोर्स हम देन कौन ना इलेक्ट्रॉन ये आयनाइजेशन बीम जो आसला देटा इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कनेक्ट होता वैक्यूम भितर देखिए से कौन हम ना मैग्नेटिक फील्ड गोटे देव मैग्नेटिक फील्ड पर से कौन डिटेक्टर द्वारा हम ये फ्लाइट ट्यूब भी होची टीओएफ जो यूज करे ट्यूब ऑफ फ्लाइट ये सब जिनस गुड़ाक अच्छी है यहाँ तुम कौन इथानल इथानल देवा द्वारा इथानल पिकटा जेनराली आम इथानल जेको जिन था सेल कंपोनेंट उपर सो तार पिकटा यहाँ अब्जर्व कराइला है देन आम आसा कौन मोस्ट एलिमेंट अक्यू नेचुरली मिक्सर अफ आइसोटोप गुड़ाक अच्छा आइसोटोप्स मिक्सर गुड़ाक पिक्स जो तुम हायर दान जो एम प्लस वन होता है ये टाइप्र पिक्स आस मास यूनिट बोली जापर टू मास यूनिट मानने एम प्लस टू सच से टाइप्र हम फ्रैगमेंटेशन पैटर्न से कौन होता है ना तुम जमी स्टीम से एनर्जी आसो इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स हो फ्रैगमेंट्स गुड़ा कमनली कौन ना रेडिकल फ्री रेडिकल्स डिपेंड करता है एंड द ब्रेक्स जो बॉन्ड ब्रेक्स टू गिव साइज मोस्ट स्टेबल कैटर जो जो कौन ना बॉन्ड ब्रेक्स करके मोस्ट स्टेबल कैटायन दे था एंड द स्टेबिलिटी ऑफ योर रेडिकल इज लेस इंपोर्टेंट होता है ये फ्रैगमेंटेशन पैटर्न केमी ना जब मिथाइल ग्रुप लॉस हो तुम एम प्लस इक्वल टू 15 हो इथाइल ग्रुप लॉस होते एटा एम प्लस मीन कौन ना तुम देख जो तुम मास भैल्यूटा काटू से लॉस हमारे प्रोपाइल ग्रुप होते 43 ये टाइप तार पिक्स भी आती था कमी देखी दैट इज तुम्हार मास देख मिथाइल प्रोपेन आसला मिथाइल प्रोपेन ने कौन तुम कौन ना ये टाइप रस आसी था मास पिक आए ये टाइप रिक्स आसला से तुम कैलकुलेट कर पार सो रूल्स रूल्स किसी अच्छी ना रूल्स थ्री कौन थर्टीन से तार गोटे एम प्लस स्टेप वन कौन ना तुम एम प्लस बाय 13 इंटीजर ओनली दैट रिमाइंडर स्टेप टू दैट इज एम इक्वाल टू एन प्लस रिमाइंडर फॉर स्टेप वन
ଏଇ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ହେଇଛନ୍ତି ବିଥ୍ ଉପରେ ହେଲା। ରୁଲ୍ 13ଟା ହୁଏତ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବନି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ କନ୍ସଲ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଠି ତୁମର ସରିଗଲା କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି ଅଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଅପ୍ ଟୁ 45 to 1 hour କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ହୁଏତ ପଢ଼େଇବି ନାହିଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ନହେଲେ ପଢ଼େଇବିନି। ଓକେ ମାସ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରି ଏଠି ସରିଗଲା ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 3 କଭର୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 4 କଭର୍ ହେଇଗଲା ତୁମର ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସର ଆଉ ବାକି ଯାହା ରୋଜିମିଆନ୍ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବେ। ଓକେ।